कृष्णा हार्डवेयर भवानगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध है। शालीमार पेंट, एशियन पेंट, सैनिटरी पाइप फिटिंग, सरिया, सीमेंट, अल्ट्राटेक, पानी की टंकियाँ तथा अन्य टूल्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर मकान, दुकान आदि के लिए पेंटर भी उपलब्ध है। संपर्क करें 9817409125, 98174091125। धन्यवाद। नमस्कार, किन्नौर अब तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है कि सोशल मीडिया से हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं और अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। यह सबसे इजी प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, जहां पर हम अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी की सहायता से। और यहां पर हमारे पास जो क्लाइंट्स है, यूजर्स है, व्यूअर्स है, वो अनलिमिटेड है। जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा उतने ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे, उतना ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और उतना ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि सोशल मीडिया हमारे लिए एक वरदान साबित हो। अदरवाइज सोशल मीडिया आज की डेट में हमारे टाइम को कंज्यूम करने के लिए, हमारे टाइम को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, सोशल मीडिया का बेस्ट यूज करके अपने लाइफ को बेस्ट बनाएं। तो चलिए, इस सीरीज में हमने पिछले 3 एपिसोड में बहुत सी बातें की हैं, बहुत सा नॉलेज शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखे तो पिछले सारे जो एपिसोड है उन्हें देखिए। आज के इस एपिसोड में फिर से हम स्वागत करते हैं राम भगत नेगी जी का। नमस्कार सागर सर, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से आभार। आप जो है, जितने भी दर्शक है जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस कर रहे हैं, आप उनको जगा रहे हैं। अगर आप पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और ज्यादा कमाना चाह रहे हैं या फिर कमाने की सोच रहे हैं, तो हमारा एपिसोड है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया में सागर सर और हम दोनों बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों कोई पैसे नहीं कमा रहे हैं। लेकिन जो हमने धक्के सक्के खाए हैं वो आप तक पहुंचाए, ताकि आप लोग जो है हमारी तरह धक्के ना खाएं और आप इजीली से जो है जहां जहां दिक्कतें आती है वो आराम से आप उसको पार करके आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पैसे कमा सकते हैं। हमारे तो 4 साल लग गए। सबसे पहले तो मैं एक चीज दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जुड़ते हैं किसी के चैनल में या किसी के साथ में, आप सबसे ज्यादा सबसे पहले पहला काम तो ये कीजिए कि आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें, अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें। मैंने कहा था कि शेयर करने पर भी आपको फायदा रहता है। शेयर करने पर फायदा क्या रहता है कि आपको जो है आपके फॉलोअर्स जो है बढ़ जाते हैं, और फॉलो करने से क्या फायदा होता है कि जो है हमारे जो जी सागर सर, आपका स्वागत है। आप जो भी आपके पास सवाल रहे होंगे तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि पिछले सोशल मीडिया में पिछले कई सालों से हम मेहनत कर रहे हैं,
मैं पर्सनली कहूँ तो बहुत से मैंने वीडियोस बनाए हैं, एपिसोड किए हैं, बहुत से वेबिनार सेमिनार वर्कशॉप करते रहता हूँ, और जिससे मैं ये सही है कि अगर आपका कंटेंट यूजफुल है लोगों के लिए, लोगों की हेल्थ को लेकर के, लोगों की अवेयरनेस को लेकर के, तो उसमें नो डाउट व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उल्टा पुल्टा कुछ क्रिएट करते हैं तो वो आज की डेट में ज्यादा चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्तर को गिराएं, तो अपना जो कंटेंट है उस पर लगातार हम काम करते रहें। मैंने एक सीरीज नई शुरू की है आज से, जिसका जिसमें हम यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। आज ही मेरे स्नेह सागर चैनल के ऊपर मैंने एक एपिसोड डाला है चर्चा का, जिसमें एक बहुत बड़े भारत के जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि नितिन गडकरी जी के भी सलाहकार रहे हैं, राजनाथ सिंह जी के सलाहकार रहे बहुत हैं, ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी है, उन्होंने उनके पास काफी नॉलेज का भंडार है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई ऑनलाइन ही, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका जो शो है मुझे अच्छा लगा, तो हमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो उसमें इसे भी जरूर देखें। और साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, मैं 8 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक मनाली में मैंने एक 5 डेज का सेशन रखा है, जिन भी लोगों को किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, आपको अगर डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, किसी भी तरह की बीमारी है, या फिर मेंटली स्ट्रेस है, तो उसके लिए कैसे हम अपनी सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ा करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, उसके ऊपर पूरे 5 दिन का एक वर्कशॉप रहेगा, तो उसके लिए भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि जो भी लोग जुड़ना चाहे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये 5 डेज का प्रोग्राम है, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे मैंने इसे रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके, लेकिन ये बहुत लिमिटेड सीट है, इसमें लगभग सिर्फ 10 लोगों को लिया जाएगा, ताकि उन्हें अच्छे से मनाली घुमाया भी जा सके, उन्हें सिखाया भी जा सके कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, राइट। जी तो जी अब आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज की ओर, जो हम बात कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है इससे ये तो सबने सुना है कि बहुत पैसा आता है, लेकिन वो पैसा आता कहाँ से, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्या क्या जरिए हैं सोशल मीडिया से पैसे आने के। जी सागर सर, वैसे तो आपने कहा कि बहुत सामाजिक चीजों को काम करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो इसके वो लोग देखना ज्यादा चाहते नहीं है, सुनना ज्यादा चाहते नहीं, तो इसमें व्यूज कम मिलते हैं, इस प्रकार के एपिसोड में जो है पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर अदर्स देखेंगे, जैसे उठपटांग बहुत सारे चीज है, तो उसको लेकर चलते तो बहुत सारे जो है पैसे बनते, व्यूज बनते, लाखों लाखों कमाने लगते हैं। लेकिन वो आपका अपना टॉपिक है कि किस प्रकार से आपने काम करना है, किस प्रकार से कंटेंट आपने रखना है। जब भी पैसे कमाना है तो सबसे पहले आपका कंटेंट का ध्यान देना पड़ता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का ध्यान रखना पड़ता है, और थंबनेम का भी बहुत बहुत इसमें अगर काम करते हैं तो। हमारे पास तो टाइम होता नहीं है, क्योंकि हमको खुद को ही लोड करना है, खुद को एडिटिंग करना है, खुद को मिक्सिंग करना है, हम थंबनेम डालते नहीं है कभी। हम बहुत शॉर्ट टर्म में हमको काम करना पड़ता, हम सिर्फ अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ। लेकिन आपको प्रॉपरली काम करना है तो बेसिक चीजों को भी ध्यान देना है। तो बिल्कुल फेसबुक में कमाने के बहुत सारे जो है, आपको पता है, जब भी आप कोई भी क्राइटेरिया पार करते हो तो आपको जो है फेसबुक में कुछ चीजें मिलती है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के जो है, इनकम के सोर्स रहते हैं। जी, जैसे आपको सबसे पहले आपको जैसे ही आप थोड़ा अच्छा काम करना लगेंगे, अभी मोनेटाइज नहीं है, तो आपको स्टार का ऑप्शन दिया जाता है। 1200 2000 के करीब का कस्टमर अभी आपके फॉलोअर्स होंगे तो उतने में ही आपका स्टार मिल जाता है। उसके बाद आपको जो कुछ स्टार स्टार क्राइटेरिया, कोई होने के लिए आपको मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती फेसबुक जरूरत में। नहीं, स्टार स्टार सबसे पहले मोनेटाइजेशन हो जाता है। इसके लिए फॉलोअर इतना जरूरी नहीं है, 1200-1500 फॉलोअर होना और रूटीन आपका वीडियो चलता रहे तो स्टार मिल जाता है, फेसबुक स्टार देता है। लेकिन स्टार का ऑप्शन ये है कि स्टार आपको कोई देता नहीं है, बहुत कम आता है। अभी पिछले एक दो एपिसोड में मुझे एक स्टार मिला था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, एल एन नेगी कोई थे, उनका उनका एक स्टार मिला था, बहुत अच्छा। उसके बाद एड ऑन रील्स, उसके बाद आपका रील, रील में आप काम करते हो तो रील का जो है जल्दी ही मिल जाता है, रील का भी जो है आपको रील में भी आपको जल्दी इसमें इनकम का सोर्स मिलता है, रील में इनवाइट किया जाता है और रील का भी आपको ऐसे मिल जाता है। उसके बाद आपका बोनस, बोनस एक ऐसी चीज है, आप लगातार काम करते रहते हो और अच्छा आपका कंटेंट रहता है, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, तो बोनस का एक क्या चीज है, इनवाइट ऑप्शन आएगा कि आपको बोनस मिल रहा है।
अब ध्यान देना है कि बोनस इतना बोनस जब मिलता है तो जब आपको एक अलग प्रकार का इनवाइट आता है तो उसको आप जब फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी आदि जो फुलफिल करने को कहेगा। ये बोनस पर है, बहुत कम लोगों को बोनस मिलता है, लेकिन बोनस में एक गलतियां भी होती है। ये चीजें मेरे को अभी कुछ दिन पहले पता चला। बोनस में कुछ एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग को आप कहीं आप डिस्टर्ब कर दे तो बोनस जो पूरी लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाता है। ये अगले एपिसोड में बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बोनस से भी आपको मिलता है, और उसके बाद लाइव एड्स, जो भी आपके लाइव प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम करते समय उसका भी आपको जो है जितना एड चलता है उसका आपको जो है इसमें इनकम मिलता है। उसके बाद इन स्ट्रीम एड्स का आपको तो पता है कि 5,000 फॉलोअर्स है, फिर आपको जो है 6 लाख मिनट व्यूज पार करने के बाद आपको ये मिलेगा। तो इसमें भी आपको जो है पैसे मिलते हैं, मतलब इन स्ट्रीम इतने सारे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, जैसे आपका सब्सक्रिप्शन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन अब मुझे ये थोड़ा ज्ञात हो रहा है कि जैसे आपका वो कोई पोस्ट करते हो, किसी चीज को पोस्ट करते हो या किसी चीज को शेयर करते हो, कमेंट का भी मैंने एक चीज इसमें ध्यान बताया कि कमेंट आपका पॉजिटिव रहता है, उसके भी डॉलर बनते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो 6-7 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको लगातार काम करने से मिलता है, लेकिन आपको कंटेंट पर ध्यान देना है। तो ये चीज है सर, तो जिन पर आपको फेसबुक लगातार काम दे रहा है। जी स्वागत सर। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा इसमें कि अगर आपकी व्यूअरशिप अच्छी है, आपकी मार्केट वैल्यू अगर बनती है, तो इसमें एक आपको रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर मैं हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ, जी 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 तो मैं हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ, जब मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब में कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन किसी को अगर मेरा कंटेंट समझ आता है, किसी को लगता है कि पर्सनली मुझसे कोई डिस्कस करना चाहता है, तो उसके कंसल्टेंसी फीस भी अलग से ली जा सकती है। दूसरा ये भी है कि जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता हूँ, या स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स है, तो कोई भी स्कूल कॉलेज अगर चाहे, कॉर्पोरेट चाहे, तो वो इनवाइट कर सकता है। तो मेरे फॉलोअर्स कितने, ये डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मुझे उस तरह के ऑफर्स आते हैं। फिर वो स्कूलों में जाना, एक प्रोग्राम करना उनका, फिर वो भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही है। कहीं ना कहीं आप किसी स्कूल तक, कॉलेज तक, किसी क्लाइंट तक अगर आप पहुंचे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे हैं, वो फिर आपके उस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मेरा जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, तो उसमें जिन लोगों को अच्छा लगता है, वो मेरी मॉर्निंग में 1-6 बजे से 6:30 बजे तक रोज आधा घंटे की एक हेल्थ के ऊपर मेरी रेगुलरली क्लास रहती है, जिसमें मैं ये सिखाता हूँ लोगों को कि किस तरह से हम बिना मेडिसिन लिए अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से क्लाइंट मिलते हैं, जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, कुछ पर्सनली कंसल्टेंसी लेते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेशनशिप के ऊपर, तो मुझे किसी का कॉल आया कि उनका फैमिली में कुछ इश्यू चल रहा है, तो कैसे सॉल्व किया जाए, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा प्रेशर माइंड में आ रहा है, लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। तो मैंने उनको कंसल्टेंसी की, कंसल्टेंसी फीस ली। तो इस तरह भी इनकम के ये इनडायरेक्ट सोर्स है। हम सिर्फ बात करें सोशल मीडिया से कैसे आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत से आपको आपके कंटेंट से जुड़े हुए काम भी मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जी अच्छा गा रहा है, उदाहरण के तौर पे जैसे योगेश मीना जी, आप भी जानते हैं, उनका मैंने भी इंटरव्यू लिया था, तो वो आज की डेट में क्या, जब सोशल मीडिया पे कोई छा गया एक बार, तो उनको फिर स्टेज शो या कोई पार्टी की शो, उस तरह के भी शो मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो भी आपका काम है, वो लोगों को अगर अच्छा लगे, तो आपको उससे रिलेटेड ऑफर्स मिल सकते हैं, वो भी एक इनकम का सोर्स बनता है। जी तो जैसे जी कोई बिल्कुल ब्लॉगर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेवल ब्लॉगर्स, जो ट्रेवलिंग अच्छे करते हैं, उनके व्यूज अच्छे हैं, तो नो डाउट उनके लिए भी बहुत ऑप्शन है। मैं पर्सनली कहूँ तो ऐसे मैंने कुछ ब्लॉगर्स हैं जो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उनको पर्सनली इन्वाइट किया कि आप मनाली आइए, हमारे कॉटेज में रहिए, होटल में रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें रखना पड़ता है। फिर वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अपने ब्लॉग में बताते कि मैं मनाली आया, तो मैं नेचर विस्टा में रुका, या मुझे भोजन अच्छा लगा, तो उससे फिर लोग हमें मिलते हैं। तो ये भी सोशल मीडिया से इनकम का एक तरीका है। जी जी बिल्कुल।
बेहतरीन। आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि आउटडोर की आपको जैसे प्रमोशन के लिए किसी का शॉप का प्रमोशन करना है, कोई मैच दिखाना है, आपको लाइव करवाना है, आपके पास कितना घंटों के हिसाब से आपको दे सकते हैं, ये भी आपका आउटडोर काम है। और लेकिन जब आपको फेसबुक में काम करना है या फिर यूट्यूब में काम करना है, आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक का बहुत ध्यान देना है, ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो बिल्कुल, इसकी बाकी हमने चर्चा। अगर आप लोगों को कभी कोई भी पेज में दिक्कत आता है या फेसबुक अर्निंग में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। आप अपने पेज को दिखाइए, अपने फेसबुक को दिखाइए, यूट्यूब को दिखाइए, तो हम उसको बताएंगे कि आपके इसमें ये चीज़, इसको आप बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी हमारा जो है फिलहाल, हमारा मकसद यही रहता है कि जो भी गलतियां हमसे हुई है, वरना तो आज के टाइम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि आसानी से जो है आपको बताए कि पैसे कमा। हम चाहते तो नया चैनल बनाकर भी, क्योंकि अब ट्रिक्स तो हमारे को सारा पता है, लेकिन चेहरा तो हमारा वही है ना। अब हम नया चैनल बनाएंगे और उसमें हम उटपटांग लगाएंगे और व्यूअर्स कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, आपको कितना कैसा लगेगा। लेकिन चाहते तो हम, हमारे पास नया चैनल बनाकर नया चीज करके हम लाखों कमा सकते। अब सारे ट्रिक्स हमारे को आते हैं, लेकिन चेहरा वही है। हम समाज के प्रति एक वफादारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो युवा है, जो फेसबुक में या 24 आवर हमारी बहन रील बना रही है, और हमारे जो है और भी बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, तो उनका कोई भी दिक्कत आ रही है, इनकमिंग नहीं आ रहा है, सो फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, दिक्कत आ रही है, तो हमसे मिलिए, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो फेसबुक में अगर आप कमाना शुरू करते हैं तो इसके लिए क्या किसी तरह की कोई जीएसटी लेने की जरूरत होती है, या फिर आपको पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है? देखिए, सबसे पहला तो आपको ये तो बहुत जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि फेसबुक ने एक बार आपसे जो है एक बार पैसे दे दिया या यूट्यूब ने एक बार आपको पैसे दे दिया तो अगली बार आपसे कोई चीज नहीं मांगेगा। अगली बार आपका इनपुट आपको ढालने से पहले रिटर्न आपको फाइल मांग सकता है, भाई पिछला आपका कोई पेंडिंग तो नहीं है टैक्स या कुछ ऐसा। मतलब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो आपका $100 है वो तो आपको वहां से पूरा काट के देता है, जो भी चीज है रिटर्न रिटर्न जो भी है वो अपना मैटर है। लेकिन यहाँ पर हिमाचल में, मतलब हमारे भारत सरकार के अधीन आपका जो भी टैक्सीज है, कोई ऐसा तो नहीं है जो आपने फुलफिल नहीं किया हो, तो उस वजह से आपका पैसे होल्ड हो सकता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको जो है रिटर्न जो है करना पड़ेगा, और जो है क्लियर रखने पड़ेंगे जो जो आपको मांगता है, पैन कार्ड और जीएसटी रिटर्न, ये चीजें आपको अगर लॉन्ग टाइम को लेकर रिटर्न करते रहना पड़ेगा, मतलब क्लियर करते रहना पड़ेगा, जिससे आपको इश्यू ना आ जाए। जी जी बिल्कुल, ये इसका मैं थोड़ा सा आपको हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर इंसान को पैन कार्ड बनाना चाहिए, और हर इंसान को मुझे लगता है रिटर्न भरनी चाहिए, भले जीरो करके भरिए, एक आईटीआर भरना बहुत जरूरी होता है। और जितना हम ईमानदारी से काम करें, और खासकर अगर हम जो हमारा बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक होता है, पैन कार्ड से लिंक होता है, तो अगर हम रिटर्न भरते हैं तो वो हमारा ही बेनिफिट होता है कि हम अपनी इनकम अगर हमारी हो रही है तो आप इनकम को भले दिखाइए, अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते तो टैक्स पे कीजिए। तो इससे क्या होता है, अक्सर आदमी ये सोचते हैं कि इनकम टैक्स क्यों दे, हम इनकम टैक्स को छुपा लेते हैं, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो अगर हमारी इनकम टैक्स हमें साल में एक बार अगर देना भी पड़े तो वो कोई बुरी बात नहीं है, एक तो वो देश के लिए हमारा एक योगदान है, दूसरा कि इससे रिलेशनशिप जो बैंक के साथ है वो स्ट्रांग होते हैं। अगर आप प्रॉपरली अपना आईटीआर भर रहे हैं तो कोई भी बैंक आपको कभी भी बिना किसी शर्त के लोन दे सकता है, अगर कभी आपको भविष्य में जरूरत पड़े तो। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो जी चलिए, आज के एपिसोड में हमने काफी चीजें सीखी, और दर्शकों से उम्मीद है कि आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगले एपिसोड में फिर हम आगे के सवाल लेंगे, फिर हम बहुत सी और चर्चा करेंगे, काफी क्वेश्चंस बाकी है हमारे माइंड में और जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जी ने बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुना, और इसके लिए मैं कहूंगा कि जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके भाई राम भगत जी लगे रहते हैं, तो जरूर शेयर करें, जी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद, नमस्कार।